पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा, पार्टी के दो सीनियर रहनुमाओं ने मामला उलझा दिया। शेर अफजल मुरवत ने दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो चुके हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दूसरा रुकन बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। उधर तर्जमान पीटीआई ने शेर अफजल मुरवत के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि सरबरा तहरीक इंसाफ की दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने के केस पर समाअत हुई। वकला को जवाब जमा करवाने के लिए 5 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा, पार्टी के दो सीनियर रहनुमाओं ने मामला उलझा दिया। शेर अफजल मुरवत ने दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो चुके हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दूसरा रुकन बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। उधर तर्जमान पीटीआई ने शेर अफजल मुरवत के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि सरबरा तहरीक इंसाफ की दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने के केस पर समाअत हुई। वकला को जवाब जमा करवाने के लिए 5 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है।